नेतृत्व में हम विक्रम के महान जनता का जनादेश प्राप्त करके इस विक्रम को नए विक्रम का निर्माण हम करेंगे। इस तरह से आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, उसी तरह आत्मनिर्भर हम विक्रम। सर, अगर बात किया जाए डक बंगला और पुस्तकालय और ट्रामा सेंटर का, इस पर आपका कितना नजर रहेगा? मुझे पूरी जानकारी है। मैं बोलना चाहता हूं कि मैं विक्रम को आत्मनिर्भर विक्रम बनाऊंगा और नया विक्रम का निर्माण करूंगा। जो काम आज तक आज़ादी के बाद यहां इस विक्रम में नहीं हुआ, वो डाक बंगला की बात हो या ट्रामा सेंटर की बात हो या किसानों की समस्या या युवाओं से जुड़ा हुआ विषय हो, एक एक विषय को मैं विक्रम के समस्या को समाधान करके नए विक्रम के निर्माण करने में यहाँ के किसान, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के युवा, यहाँ की महिला, यहाँ के हमारे तमाम नागरिकों का सहयोग साथ। चुनाव जीतने के बाद यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं, उनको आप रोजगार कैसे मुहैया करेंगे? यहाँ पे मैं रोजगार के लिए, यहाँ पे उद्योग लगाने के लिए मैं विश्वास रखूँगा और प्रयास होगा कि सरकार, भारत की सरकार और हमारे बिहार की जो सरकार बनेगी, राजधानी से सटे ये क्षेत्र है, यहाँ ऊर्जावान हमारे युवा हैं, किसान हैं, तो यहाँ पे मैं रोजगार लाने के लिए जो प्रयास करना होगा प्रयास करके हम यह उद्योग लगाने का काम करेंगे। आप पर भाजपा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि नहीं, अनिल जी का टिकट काट करके जो उनका लगाव रहा है जनता से, वह उनका टिकट काट करके आपको दिया गया है, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश होता है उस आदेश को कार्यकर्ता मानना होगा। इस क्षेत्र को सींचने का काम कैलाशपति मिश्र जी ने किया, राम जन्म शर्मा जी ने किया, अनिल भैया ने किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे आदरणीय राम जन्म शर्मा जी को भी टिकट एक समय काट के अनिल भैया को दिया गया था, तो पार्टी ने स्वीकार किया, उनको विधानसभा पहुंचाने का काम किया। ये निर्णय मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं, हमारे जो वरिष्ठ बोलेंगे अतुल जी आपको लड़ना हो तो देखिए मैं आपके बीच विक्रम मैदान में आ गया हूं, और वो बोलेंगे कि आपको काम करना, अभी मुझे पूरे देश की जिम्मेवारी दी थी, मैं विक्रम और नौबतपुर का नाम संगठन के माध्यम से पूरे देश में करने का काम कर रहा हूं, और ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पार्टी ने मुझ पर विक्रम पे भरोसा दिया है, मेरे ऊपर प्रत्याशी बना करके, तो विक्रम के लिए मैं और तन मन धन और अपना खून बहाने के लिए तैयार। विक्रम के जो मतदाता है उनसे हम पूछ रहे हैं कि इस बार इस विधानसभा में कौन जीतेंगे, तो हम पूछ रहे हैं कि तीन कार्यकर्ता ही उम्मीदवार हैं, एक सिद्धार्थ जी हैं, अतुल जी हैं और निर्दलीय अनिल जी हैं, तो बोल रहे हैं कि कौन अतुल जी, तो लोग जान भी नहीं रहा है, तो आप इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो यहाँ के वर्तमान विधायक सिद्धार्थ जी हैं, पूर्व विधायक अनिल भैया हैं, दोनों हमारे भाई हैं, ये दोनों जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि और संगठन, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए किसी भी संगठन में किसी भी जनप्रतिनिधि को या विधायक सांसद बनाने का काम हमारे जैसा लाखों लाख कार्यकर्ता करते हैं, और यदि कार्यकर्ता पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है तो विक्रम क्या पूरे बिहार का कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता को जिताने का काम करेगा, और कार्यकर्ता ही नेता बनता है, मंत्री बनता है, सांसद बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। ये मैं विक्रम की जनता को हाथ जोड़ करके मैं ये अपने संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने बेटा पर विश्वास करिए, और आज यदि आपका बेटा नौबतपुर से निकल के पूरे देश का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना है तो विक्रम का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। सर, अगर माने जाए कि आपके जो गठबंधन में है नीतीश कुमार जी, उनका जो स्टेटमेंट आया है कि दलित का अगर हत्या होता है, SC ST का हत्या होता है, तो एक नौकरी, ये साजिश जो है नौकरी देने की, हत्या रोकने की है या बढ़ावा देने की? देखिए, आज सकारात्मक दिन है, तो आज सकारात्मक चर्चा करेंगे। हमारे नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, और मालूम होना चाहिए कि सरकार की योजना, सरकार की जो कल्पना होती है, मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री के माध्यम से चलता है, तो आज मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही हैं तो जब उनका लागू हो जाता है तो देश में उसको बिहार में लागू करना पड़ता है, प्रधानमंत्री देश में, तो आज हम सिर्फ सकारात्मक बात करेंगे और जो सरकार का जो फैसला है उसको हम उनके सपनों को हम उतारने का काम करेंगे, और अपने भाई, किसान, नौजवान सबके लिए हम तैयार रहेंगे।